वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल दिवशेष में। सो एज यू कैन सी टुडे आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी प्रोडक्ट रिव्यू एंड देयर इज नो शेविंग डेमो टुडे। नाउ आज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरे अपने अनुभव पिछले दो ढाई साल के दो स्टाइल ऑफ रेजर्स के साथ, एक क्लोज्ड कोम रेजर्स और ओपन कोम रेजर्स। अगर आप वेट शेविंग से जुड़े हैं या आपने अभी अभी वेट शेविंग शुरू की है तो इन दोनों रेजर्स के बारे में आपने सुना होगा एंड आई एम वेरी श्योर इन दोनों ही रेजर्स को यूज़ भी किया होगा। अगर नहीं किया है और करने की सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज का ये डिस्कशन आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। क्लियर? तो क्या क्या चीज़ें आज डिस्कस करेंगे आज हम। सबसे पहले तो इन दोनों रेजर्स में फ़र्क क्या होता है, इनके डिज़ाइंस, इनकी डिज़ाइन लैंग्वेज जो होती है, और हर कंपनी की डिज़ाइन लैंग्वेज अलग भी होती है। उसी के साथ जो मिथ हैं, जो भ्रांतियाँ हैं इन दोनों रेजर्स के साथ, और जब मैंने इनको यूज़ किया तो क्या वो मिथ मेरे को सही लगे, थोड़ा सा ये भी डिस्कशन करेंगे। और किन लोगों को, किन वेट शेवर्स को किस तरह के रेजर्स इन दोनों में से यूज़ करने चाहिए, वो थोड़ा बाद में अब डिस्कस करूँगा। सो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नाउ सबसे पहले अगर हम इनकी डिज़ाइन की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको क्लोज्ड कोम रेजर्स के बारे में बताना चाहूँगा। नाउ एक टिपिकल क्लोज्ड कोम रेजर जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, आप देख सकते हो। और अगर मैं और पास लाऊं तो सबसे पहले तो मैं रेजर के बारे में बता देता हूं, आप में से कुछ लोगों ने पहचान भी लिया होगा। यस, यू आर राइट, इट्स पार्कर 91R। इट्स अ थ्री पीस रेजर, हैंडल, बेस सेफ्टी प्लेट और ये टॉप जो ऊपर का शेविंग हेड। अब मैं अगर आपको क्लोजली दिखाऊं इसको थोड़ा सा जूम इन करके, अगर आप देख रहे हो तो ये जो बेस सेफ्टी प्लेट में ये नीचे एक सेफ्टी बार आपको दिख रही है और इसमें ग्रूव्स दिए गए हैं। यू कैन सी दीज आर द ग्रूव्स, ओके। और शेविंग हेड और बेस सेफ्टी प्लेट के बीच में जब हम ब्लेड को लोड करते हैं, ब्लेड बैठा देते हैं और हैंडल को इस तरह से स्क्रू कर देते हैं तो आप देख सकते हो ये सेफ्टी बार है और इसके बीच में आपको ब्लेड दिखाई देता है और इसी से ये तय होता है कि ये ऊपर से कितना कसता है। तो उससे आपका, जिसे कहते हैं ब्लेड एक्सपोजर, ब्लेड गैप बनता है और यहाँ पे ओवरहैंग थोड़ा सा बन जाता है। और कई रेजर्स में बहुत कम होता है, कुछ में थोड़ा ज़्यादा भी होता है, बट द मेन फोकस इज हेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो देर इज नो गैप, ये पूरी की पूरी एक बार इन्होंने दी है सेफ्टी बार और उसमें ग्रूव्स दे दिए हैं। अब ये करती क्या है बार, ये तो जब भी हम शेविंग के दौरान जब आप फोम अप्लाई कर लेते हो, लादर अच्छा क्रिएट कर लेते हो, तो आप जब रेजर को ग्लाइड करते हो तो जो बेस सेफ्टी बार होती है ये इस तरह से स्किन को स्ट्रेच कर देती है। तो जब वो स्किन आपकी स्ट्रेच हो जाती है तो जो आपकी स्टबल होती है वो बाल हल्के से खड़े हो जाते हैं और वो ब्लेड उन बालों को रिमूव करता चलता है, ओके। अब कुछ सेफ्टी रेजर्स, क्लोज कोम रेजर्स में ऐसे ग्रूव्स जरूरी नहीं है कि हर एक में होंगे, कुछ में नहीं भी होते हैं। जैसे हजामत कंपनी का आप अगर रेजर देखोगे तो यहां पे इन्होंने केवल एक बार दी है, देर आर नो ग्रूव्स। क्लियर? तो उसी तरह से अगर आप जिलेट स्टर्लिंग रेजर देखोगे उसमें भी आपको, क्लोज कोम रेजर है वो, मगर यहां पर उन्होंने केवल एक बार दे दी, एक नीचे सेफ्टी बार, मगर उसमें कोई भी ग्रूव्स नहीं बनाए। तो ये पार्कर 91R, इसमें ग्रूव्स हैं, और हजामत का जो ये रेजर है इसमें कोई भी ग्रूव्स नहीं है। अब हर कंपनी की डिजाइन लैंग्वेज अलग हो जाती है अगर हम क्लोज्ड कोम की बात करते हैं, मगर हाँ आपको यहां पे कोई भी इस सेफ्टी बार में गैप नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको कुछ और रेजर्स दिखाऊं, ये पर्ल का क्लोज्ड कोम रेजर है L55, इट्स ए हेफ्टी, पार्कर 91R से थोड़ा सा ज्यादा भारी है। तो इफ यू सी क्लियरली इसके आप कोम्स को देखिए तो इसमें भी थोड़ा आपको हल्का सा फर्क नजर आ रहा होगा, ये ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो था बेसिकली एक टिपिकल क्लोज्ड कोम रेजर, ओके। अब हम जब ओपन कोम रेजर की बात करते हैं तो
तो ये भी एक क्लासिक ओपन कोम रेजर है डिजाइन के मामले में। और ये जो है पार्कर कंपनी का है 26C, ये भी 3-पीस रेजर है। अगर यहां पे आप देख रहे हो जो इसकी बेस सेफ्टी प्लेट है उसमें वो बार नहीं दी गई है, यहां पे आपको दांत टीथ दिख रहे हैं एंड यू कैन सी देयर इज अ गैप। तो ये जो है इसके टीथ हैं और इसीलिए क्योंकि उनके बीच में गैप होता है इसको हम ओपन कोम रेजर बोल देते हैं। और जब हम इसमें ब्लेड लोड करते हैं तो शेविंग के दौरान, मगर हाँ क्लोज कोम रेजर्स के सॉरी ओपन कोम रेजर्स के साथ क्या हो जाता है, मेरे को जो अपना वो 30 डिग्री का एंगल जो मैं नॉर्मल क्लोज कोम के साथ बनाता हूँ, ओपन कोम में मेरे को थोड़ा सा और ज़्यादा टिल्ट करना पड़ता है ताकि वो स्टबल को आसानी से रिमूव कर सके। तो ये तो मैंने भाई बेसिक आपको बताया। और इसी को मैं कंपेयर अगर करूँ L55 ओपन कोम के साथ तो काफ़ी हद तक जो हेड हैं वो सिमिलर ही नज़र आ रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है आप देख सकते हो। मगर कुछ लोग कुछ कंपनियां अब इनमें भी थोड़ा सा ओपन कोम के मामले में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने लगी हैं। जैसे हाल ही में मैंने ये रेजर खरीदा, पर्ल का है ये, सॉरी पिंक वुल्फ का है। अब पिंक वुल्फ का ओपन कोम रेजर है मगर इसकी डिजाइन लैंग्वेज इन्होंने बिल्कुल ही चेंज कर दी है। तो पिंक वुल्फ वाले इसको ओपन कोम रेजर बताते हैं मगर यहां पे आप देख रहे हो इसको भी मैं अगर, ये भी 3-पीस रेजर है तो यहां पे अगर आप इसके सेफ्टी प्लेट को देखो तो दांत इसके टीथ दिख रहे हैं मगर जो गैप था वो ओपन जो गैप था उसको उन्होंने बंद कर दिया है और नीचे एक अगेन एक बार लगा दी है। और इसको जब हम ब्लेड लोड करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो क्लोज कोम आप देख रहे हो 91R का और ये पिंक वुल्फ का अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। लगता है ये दूर से अगर आप देखोगे तो ये आपको काफी हद तक क्लोज कोम लगेगा मगर जब आप ऐसे करके देखोगे तो इसके प्रोमिनेंट टीथ हैं मगर नीचे एक इन्होंने सेफ्टी बार लगा दी है इसमें। तो गैप है मगर ये सेफ्टी बार लगा के शायद इन्होंने इसका एग्रेसिवनेस कम करने की कोशिश की है। ये एग्रेसिवनेस क्या होती है मैं अभी डिस्कस करता हूं। और एक और कंपनी मारुति कंपनी भारत की, बहुत ही अफोर्डेबल रेजर्स बनाती है गुड क्वालिटी के, रोमर। तो रोमर वालों के जो है कॉम्बो हेड्स, या मेरे को कहना कॉम्बो हेड से ज्यादा वर्ड होगा हाइब्रिड रेजर, जिसमें एक ही जो रेजर में आप दोनों के मजे ले सकते हो, क्लोज कोम और ओपन कोम। तो ये रोमर का एक हाइब्रिड आप देख सकते हो सेफ्टी रेजर है। यहां पे अब ये आप देख सकते हैं ये एक इन्होंने सेफ्टी बार दी है, इसमें कोई भी ग्रूव्स नहीं है। और उसी के अपोजिट साइड में आप देख सकते हो ये ओपन कोम नहीं है। तो ये तो हो गई डिजाइन लैंग्वेज जो अलग अलग रेजर्स की थी। तो पिंक वुल्फ ने ओपन कोम के साथ एक्सपेरिमेंट ये किया कि नीचे उन्होंने एक ये जो है सेफ्टी बार लगा दी है मगर टीथ इसके ओपन रखे हैं। और रोमर वालों ने जो है वो एक में ही आपको क्लोज कोम और जो है ओपन कोम देने की कोशिश की है। अब ये देखते हैं कि मेरा पर्सनल अनुभव इन अलग अलग रेजर्स के साथ कैसा रहा है। देखिए जब मैंने डी शेविंग की शुरुआत की तो मैंने कई तरह के फोरम्स के साथ जुड़ा, कई तरह की वेट शेविंग कम्युनिटी से जुड़ा, उनके ब्लॉग्स पढ़े, वीडियोज भी देखे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको सिखाने वाला तो होता नहीं कोई और ये इक्विपमेंट्स इतने सस्ते भी नहीं होते कि हम रोज खरीद के इनके साथ एक्सपेरिमेंट करें। तो कुछ पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ये जानना जरूरी होता है। मगर फिर मैंने जब अपनी लाइफ में जब मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू किए तो मैंने देखा कि हर चीज़ बड़ी सब्जेक्टिव है भाई। जो सामने वाला यूज़ कर रहा है उसके व्यूज़ ब्लेड के प्रति, रेजर के प्रति, क्रीम्स के प्रति, सोप के प्रति बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं कंपेयर टू मी। तो मैंने ये पाया एक चीज़ तो मेरे को जरूर लगी कि जो क्लोज कोम रेजर्स होते हैं उनका एग्रेसिव लेवल हल्का सा कम होता है कंपेयर टू ओपन कोम के मामले में। और इसीलिए जो लोग डेली शेवर्स हैं, जो लोग डेली शेविंग करते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि वो सबसे अच्छा है वो क्लोज कोम रेजर के साथ चलें। जैसे मैं डेली शेव करता हूँ तो मेरी प्रेफरेंस हमेशा ये रहती है कि मैं क्लोज कोम के साथ अपनी
दिन की शुरुआत करूं। मगर अगर मेरी स्टबल वो 2-3 दिन पुरानी है, और ऐसा बहुत ही रेयर हुआ है कि एक हफ्ते के बाद मैंने शेव बनाई हो, बहुत मुझे नहीं याद है, मगर 2-3 दिन पुरानी, कभी ट्रैवल में गए नहीं मौका मिला, 2-3 दिन पुरानी है, तो फिर मैं हमेशा ओपन कॉम रेजर प्रेफर करता हूँ। अब देखिए क्यों, तो मैंने ऐसा क्यों बोला कि आपके अगर स्टबल ज़्यादा है, बियर्ड की ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा है, और अगर आप वीक में एक बार या केवल 2 ही बार करते हो, तो उस समय आप ओपन कॉम रेजर्स का चुनाव कर सकते हो। अब ओपन कॉम रेजर्स करते क्या हैं कंपेरेटिवली टू क्लोज कॉम रेजर्स? ओपन कॉम रेजर्स में क्या होता है कि आपकी जब दाढ़ी बड़ी हुई होती है, और यहां पे क्या होते हैं ये इस तरह के आपको टीथ के गैप दिख रहे हैं, तो जब आप अपने रेजर को चलाते हो, उसको ग्लाइड करते हो, तो एक तो जो लादर होता है वो बहुत अच्छे से इसके इन ग्रूव्स के बीच में इकट्ठा हो जाता है, ग्रूव्स तो नहीं कहूंगा, ये जो गैप होता है, ये टीथ के गैप होते हैं, उसमें इकट्ठा हो जाता है, और ये आपको जो है ब्लेड एक्सपोजर इसमें ज्यादा होता है, इसमें ब्लेड जो है एक्सपोज ज्यादा होता है, क्योंकि इस नीचे सेफ्टी ब्लेड है ही नहीं अब आपकी, तो फिर वो जो आप पूरा का पूरा जो आपकी दाढ़ी होती है, जो ग्रोथ हैवी ग्रोथ होती है, इसको ये आराम से निकालता है, और लुब्रिकेशन भी ज्यादा अच्छा मिलता है, क्योंकि ये ज्यादा जो फोम होता है वो इन टीथ के बीच में इकट्ठा हो जाता है, और फिर आप जब करते हो तो उसको एक्सपोजर ब्लेड का ज्यादा मिल रहा होता है, क्योंकि अब सेफ्टी बार है ही नहीं आपकी, वो कर सकते हो, तो उसकी वजह से जो आपको परफॉर्मेंस मिलती है शेव की, वो काफी बेहतर मिलती है क्लोज्ड कॉम रेजर्स के कंपैरिजन में। ये मैं कौन सी कंडीशन में बता रहा हूं, जब आपकी बियर्ड ग्रोथ ज्यादा है, 3-4 दिन हो गए, हफ्ते भर हो गए। अब इमेजिन करिए अगर आप एक वीक, वैसे तो ये भी निकाल देता है, कोई दिक्कत मेरे को मिली नहीं है, मगर एक वीक पुरानी आपकी शेव है, बाल काफी बढ़ गए हैं आपके चेहरे में, और उस समय अगर आप इसको यूज करते हो क्लोज्ड कॉम रेजर को, तो इसमें होता क्या, ये भी आराम से निकाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी तरह से 30 डिग्री पे ग्लाइड करोगे, मगर होगा क्या, वो बड़े बाल जो होंगे वो इस जो इस गैप को, जो यहाँ पे भी ये ब्लेड गैप होता है, उसको भर देते हैं, वो क्लॉग हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको बार बार अपने रेजर को जो आपका जो बेसिन है, वॉश बेसिन है, उसमें बार बार उसको नल से पानी से आपको साफ करना पड़ेगा, और कई बार तो क्या होता है कि वो इतनी घनी बियर्ड होती है कि वो पूरी तरह से जो बाल होते हैं थोड़े से लंबे होते हैं, फंस जाते हैं, तो आपको इसको हल्का सा खोल के भी साफ करना पड़ता है, अगर आपके पास एक ही इस तरह का रेजर है क्लोज कॉम, तो क्लोज कॉम रोजमर्रा की शेविंग के लिए, जब आपके बालों की ग्रोथ कम हो तब के लिए ज़्यादा अच्छा है, और ओपन कॉम जो होती है एक हैवी बियर्ड को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा है। ओके, तो कई लोग कहते हैं कि ओपन कॉम रेजर्स जो होते हैं बड़े एग्रेसिव होते हैं कंपेयर टू क्लोज कॉम रेजर्स, बात सही है, मगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते, ये बात में मैं एग्री नहीं करता, इनफैक्ट एक एक्सेप्शन मैं आपको बता रहा हूं, एक एक्सेप्शन मैं अभी आपको बताता हूं, अभी मैंने रेजर आपको दिखाया, ये पार्कर 26C, जब मैंने इसको प्रोक्योर किया तो मैंने 3-4 दिन अपनी बियर्ड बढ़ा के रखी, और उसके बाद रिजल्ट्स बहुत ही आलीशान, बहुत ही बढ़िया है, और फिर मैंने इसको सिंगल डे बियर्ड के साथ भी ट्राई किया तो भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, और मैं बिल्कुल वाओ कह के रह गया, मुझे बिल्कुल बहुत आश्चर्य हुआ कि ये रेजर मेरे को बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं लगा। फिर इसके ऊपर मैंने काफ़ी जितने भी शेविंग्स फोरम्स हैं, ब्लॉग्स हैं उनके बारे में उनमें पढ़ा, तो मेरे को पता लगा ये दुनिया का बेहतरीन ओपन कॉम नॉन एग्रेसिव रेजर है। इनफैक्ट कई शेविंग फोरम्स में, कई शेविंग ब्लॉग्स में इसको दुनिया का नंबर 1 घोषित करा है। अब पता नहीं वो कितने सही थे, मगर मेरे को तो ये बिल्कुल भी नॉन एग्रेसिव लगा कंपेयर टू क्लोज कॉम रेजर्स। तो जरूरी नहीं है कि जितने भी ओपन कॉम रेजर्स होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसमें ब्लेड गैप ज्यादा होता है, ब्लेड एक्सपोजर ज्यादा होता है, नहीं, ब्लेड गैप ज्यादा होता है वो तो डिपेंड करता है अलग अलग शेविंग हेड्स के ऊपर, मगर ब्लेड जो एक्सपोजर होता है वो ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो ऐसा नहीं है। एक एक्सेप्शन मैंने अभी आपको बताया, किसके बारे में, पार्कर 26C। बट मेरे एक्सपीरियंस के साथ अगर मैं आपको एक ही कंपनी, अगर आप देख रहे हो ये पर्ल, यू कैन सी द पर्ल L55, दोनों का बिल्कुल डिजाइन एक ही है, हैंडल डिजाइन एक ही है, बस शेविंग हेड्स अलग है, तो ये क्लोज्ड कॉम है, ये ओपन कॉम है, तो इनके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं रोज शेविंग इससे करना प्रेफर करूंगा, और अगर मेरी बियर्ड ग्रोथ थोड़ी भारी है, थोड़ी ज्यादा है, तो फिर मैं इस ओपन कॉम के साथ करूंगा, तो इसमें इन दोनों के साथ कंपेयर करने में मेरे को ये थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव लगता है, मगर इतना ज्यादा नहीं है। ओके, तो एक मिथ जो है
कई लोग कहते हैं कि सर इज इट अ मिथ, तो मैं कहता हूँ ये मिथ तो नहीं है, काफी हद तक बात सही भी है, मगर कुछ एक शेविंग रेजर्स ओपन कॉम में ऐसे हैं जो इतने अग्रेसिव नहीं है जितना हमको बताया जाता है कि अग्रेसिव ज्यादा होते हैं। तो बेहतरीन शेप किससे मिलेगी अगर आपकी बियर्ड ग्रोथ ज्यादा है? डेफिनेटली ओपन कॉम रेजर्स के साथ। और रोज अगर आपको करना है, करेक्ट, एक दो पासेस ही चला रहे हैं तो उस समय क्लोज्ड कॉम ज्यादा अच्छा है, ओके। मगर हाँ, ये चीजें बड़ी सब्जेक्टिव हो जाती है, आपकी फेस के कंटूर्स, आपकी बियर्ड की ग्रोथ, करेक्ट, आपकी बालों की ग्रोथ किस दिशा में जा रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी प्रैक्टिस कितनी है, वो सब भी बहुत मैटर करता है एक उम्दा, एक अच्छी क्वालिटी की शेप पाने के लिए। इसी के साथ अब रेजर का काम तो 60% होता है ऑफकोर्स वो कंप्लीट सेटिस्फेक्शन देने में, मगर उसी के साथ मैं ये भी कहूंगा कि आप शेविंग से पूर्व की तैयारी, जिसे कहते हैं प्री शेव प्रिपरेशन, वो किस तरह से करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि शुरुआत में मेरे को जब ड्राई शेविंग की आदत थी तो उसी मोड में मैं वेट शेविंग में भी गया, मगर मेरे को रिजल्ट्स मिले भी, अच्छे भी मिले, मगर उस तरह की क्वालिटी नहीं मिली जो अब मेरे को मिलने लगी है। उसका एक रीजन था क्योंकि उस तरह की आदत ही नहीं थी। कौन करे वो हॉट टॉवल के साथ अपने बियर्ड को थोड़ा सा सॉफ्ट करो, करेक्ट, अच्छे से किसी फेशियल स्क्रब से आप अपने चेहरे को साफ करो, एक्सफोलिएट करो, एक अच्छे जिसे कहते हैं ब्रश के साथ आप लादर जनरेट करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट पूरे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज और हाइड्रेट कर लो, वो बहुत ज़रूरी है। और इफ़ पॉसिबल टाइम थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा सा आप प्री शेव ऑयल भी लगा लो। तो ये जो है 5-7 मिनट की जो तैयारी है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपको फिर वो रेजर ग्लाइड कैसे मिलता है और वो पोस्ट शेव सेटिस्फेक्शन कैसा मिलता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे से महंगा आप रेजर ले रहे हो, मगर अगर आपकी प्री शेव हैबिट्स वही पुरानी वाली हैं जहाँ पे कोई तैयारी नहीं करते, तो भी फिर इस तरह की चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिजल्ट्स आपको हिसाब से नहीं मिलेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग यू। तो एक चीज़ तो क्लियर हुई, दोनों के डिज़ाइन पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं शेविंग हेड्स के। कुछ कंपनियाँ एक ही रेजर में आपको, जिसे कहते हैं हाइब्रिड रेजर्स, क्लोज्ड कॉम ओपन कॉम का कॉन्फ़िगरेशन देती हैं, और एक कंपनी पिंक वुल्फ, उसने तो अपने ओपन कॉम में नीचे जो है उसके एग्रेशन को कम करने के लिए रेजर के एक सेफ्टी बार लगा दी। तो इस तरह से मैंने आपको 3 तरह के रेजर अभी आपको दिखाया, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, ये आपको तय करना है। इफ यू आर अ डेली शेवर, आई एम अ डेली शेवर, आई ऑलवेज गो विद क्लोज कॉम रेजर्स, ओके। वो आराम से जो है उसकी जो सेफ्टी प्लेट है वो आपके स्किन को ऐसे, और ये हैवी होते हैं डेफिनेटली, तो ये हैवी रेजर है, तो जब मैं इसको, और इसको जब बहुत ज़्यादा जो है मैं प्रेशर दूंगा नहीं, मैं कई बार बता चुका हूँ, तो जब मैं इसको ऐसे लिफ्ट करूंगा तो ये जो है जो सेफ्टी प्लेट है ये स्ट्रेच करेगी स्किन को और मेरी स्टबल जो है वो ब्लेड आराम से रिमूव कर देगा। तो उस समय मैं जो है ओपन कॉम का मैं अवॉइड करूंगा डेफिनेटली, मगर अगर मेरी 3-4 दिन पुरानी दाढ़ी है, 1 हफ्ते से मैंने दाढ़ी नहीं बनाई, तो उस समय फिर डेफिनेटली आई विल अवॉइड दिस एंड आई विल गो फॉर दिस। इसीलिए जो मेरे रेजर्स कलेक्शन में अगर आप देखोगे, अगर कभी आप घर पे आओगे, एक दिन मैं दिखाऊंगा अभी वो भी, तो मेरे जो 70% रेजर्स जो है वो 60-65% जो रेजर्स हैं वो सारे के सारे जो है वो क्लोज्ड कॉम रेजर्स हैं, और 30-40% केसेस में कुछ तो मेरे को रिव्यू भी दिखाने होते हैं, और कुछ मेरे को कभी ऐसा हो जाए कि मेरी दाढ़ी बढ़ जाए ज़्यादा, तो उस समय फिर मैं अपने ओपन कॉम के साथ प्रेफर करता हूँ, क्लियर। तो चुनाव आपको करना है, आपको कोई नहीं कह रहा कि आप रोज ही शेव करो, कर सकते हो तो आप इंजॉय करो, मगर अगर आप हर 3 या 4 दिन के बाद करते हो और अभी तक आप केवल अपने क्लोज कॉम के साथ करते हो, तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा एक सजेशन है, एडवाइस भी है कि आप फिर एक ओपन कॉम रेजर खरीद सकते हो। मगर अगर आप डेली शेविंग ही करनी है, आप 7 दिन 365 days ऑफ ईयर अगर आप कर रहे हो, तो गो फॉर क्लोज्ड कॉम रेजर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, क्लियर। तो ये एक मैंने आज वीडियो रखा आपको जिसमें मैंने अपने अनुभव शेयर किए, और मेरे को दोनों में ही मजा आता है, और एग्रेशन का लेवल डेफिनेटली ओपन कॉम रेजर का ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे ब्लेड एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, बीच में गैप होता है, तो भारी दाढ़ी बनाने में उस समय आप ओपन कॉम का इस्तेमाल करो, मैं भी वही करता हूँ। सो दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू कन्वे टूडे, आई होप यू लाइक द वीडियो टूडे। अगर आपको कुछ भी इसमें मजा आया, आपको लगा कि थोड़ा सा आपकी भ्रांतियां दूर हुई हैं, और ये सब चीज़ें मैं फिर से कहता हूँ बड़ी सब्जेक्टिव होती हैं, कई लोग जो होंगे रोज भी शेव कर रहे हैं और उनके पास इस तरह का रेजर है 26C पार्कर का, तो ये रोज का आप कर सकते हो उससे, नो डाउट अबाउट दैट।
कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास ओपन कॉम रेजर हो तो महा एग्रेसिव ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, पार्कर ने साबित किया है। तो अगर आपको मजा आया तो इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ जो आपसे सीखना चाहते हैं वेट शेविंग के कुछ टिप्स, और हो सके तो सब्सक्राइब करिए अगर आप देख रहे हो। ये मोटिवेशन मेरे को बहुत मिलता है जब आपके कमेंट्स मेरे को जानने को मिलते हैं, आप अपने सजेशंस देते हो। ये भी मेरे को काफ़ी टाइम से कुछ जो है सब्सक्राइबर्स मेरे को सजेशन दे रहे थे कि वाई डोंट यू गो फॉर ओपन कॉम एंड क्लोज कॉम रेजर। तो मैंने इसमें आज आपको कोई शेविंग डेमो नहीं दिखाया, बट अपनी मन की बातें शेयर की जो मेरा अनुभव इन रेजर्स के साथ पिछले 2.5 साल में हुआ है, और मेरे को दोनों में बड़ा मजा आता है। मगर अगर आप पूछोगे चुनाव किसका करना है, तो ये अगर रोज मेरे को करना है तो मैं डेफिनेटली क्लोज कॉम से करूंगा। तो इन्वेस्ट इन गुड शेविंग गियर, एक अच्छा रेजर आप जरूर इन्वेस्ट करें, और उसी के साथ प्री शेव आपकी प्रिपरेशन की हैबिट आप डालो, और पोस्ट शेव में आप कोई बढ़िया सा बाम या फिर फिटकरी या फिर लोशन लगाओ, वो भी आपको डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है, और इस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के आप अपनी शेविंग को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। आई एम टेलिंग यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो इनिशियल जो 5-6 महीने होते हैं उसमें हमारा टाइम ये एक्सपेरिमेंट में ही जाता है, मगर आपको इतना ज़्यादा पैसा ना व्यर्थ वेस्ट करना पड़े, इसलिए मैं आज आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि अब मैंने तो काफ़ी इन्वेस्ट किया है, क्योंकि ये हॉबी भी हो गई है, सबकी कोई हॉबी भी नहीं होती, और मेरे को कलेक्ट करने में भी मज़ा आता है अलग अलग स्टाइल ऑफ रेजर्स के। तो मैं उन चीज़ों को जब इन्वेस्ट करता हूँ तो, और उसमें वो चीज़ मेरी लाइकिंग की नहीं आती, तो मेरे को कोई दुख नहीं होता। मगर अगर हम शेविंग एक पार्ट है हमारी लाइफ का, एक हिस्सा है, और हमारे पास और भी चीज़ें हैं करने की, हॉबीज और भी हैं, तो उस समय मैं आपको कहूँगा कि डोंट गो एंड बाय ऑल द काइंड ऑफ रेजर्स और ऑल द काइंड ऑफ स्टफ अनलेस एंटिल यू आर सो पैशनेट यू हैव दैट हॉबी, तो बात अलग है। अदरवाइज ओपन कॉम से आप शुरुआत करिए, और उसके बाद आपको लगता है कि लेट मी एक्सपेंड, तो यू कैन बाय वन गुड क्वालिटी क्लोज कॉम के साथ आप शुरुआत करिए, और अगर आपको लगता है कि अब ओपन कॉम में थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट चाहिए तो यू कैन बाय अ गुड क्वालिटी ओपन कॉम रेजर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। तो सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज का जो मेरा वीडियो आया वो थर्सडे को आता है, मगर आज ऑलमोस्ट 2-1 दिन जरा डिले हो गया। एक्चुअली आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, थोड़ा सा बाहर गया हुआ था और लॉन्ग ड्राइव पे गया था, सही बताऊँ तो बड़ा मज़ा आया, काफ़ी दिनों के बाद, ऑलमोस्ट 4-5 महीने के बाद वो ड्राइव करी मैंने। सो आई कवर्ड नियरली 640-650 किलोमीटर्स एंड इट वॉज फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, और मैं कोशिश करूँगा वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस स्पेशली कुछ चीज़ें मैंने जो प्राकृतिक देखी वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँ। लेट मी सी वो मैं कैसे उसको जोड़ पाता हूँ। सो आप देख सकते हो एक बहुत ही भव्य नैना भिराम नज़ारा, क्लाउड्स आर लुकिंग लाइक अ जायंट किलर वेव इनगल्फिंग एवरीथिंग, और ऊपर आप देख सकते हो एक सिल्वर स्ट्रीक, बहुत ही सुंदर नज़ारा। मैं परसों ही गुजरात के एक शहर मोरबी गया था, मोरबी हमारे यहाँ से ऑलमोस्ट 280-290 किलोमीटर के बीच है, तो शाम के वक्त का ये समय है 4 या 5 बजे के आसपास, और बहुत 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 सुंदर दृश्य जो मैंने वीडियो पे कैप्चर किया, आई होप यू लाइक्ड इट। इस तरह के नज़ारे यहाँ पे देखने को बहुत कम मिलते हैं। इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, शेविंग करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहिए, अपने पेरेंट्स का बहुत 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 ध्यान रखिए, और आई विश आई प्रे फॉर अ ब्राइटर डे टुडे एंड एवरी डे। बाय बाय, जय हिंद।